लेके आई हूँ आपको डॉल्फिन डांस एकेडमी बासला ब्रांच में, जो कि देवघर झारखंड में है। हमारी राइट साइड पड़ता है बासला चौक, देख सकते हैं, और हमारे लेफ्ट साइड पड़ता है बासला कॉलेज, और हमारे सामने है बासला हाउस, और उसके सामने है हमारा क्लास का बिल्डिंग। तो चलिए ऊपर भी हम लोग चलते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है डॉल्फिन द सेकेंड फ्लोर, और यहाँ पर एरो भी लगा हुआ है ताकि जो न्यू एडमिशन करवाने आए तो उसका एरो से पता चल जाए कि वो कौन से फ्लोर में है और किस साइड है। तो चलिए हम लोग आगे भी चलते हैं। तो गाइस, मैं फर्स्ट फ्लोर पर आ चुकी हूँ, और यहाँ पर लगा हुआ है एक बोर्ड जिसमें लाइट ग्लो कर रही है, इसमें लिखा है डॉल वेलकम टू डॉल्फिन डांस एकेडमी। और मैं एक और चीज दिखा दूँ, यहाँ पर ये एरो के साथ डॉल्फिन लिखा है। तो चलिए, सो गाइस, हम लोग सेकंड फ्लोर में अब पूरा नहीं आए पर आधा आ गए हैं। यहाँ पर भी एक बोर्ड है जिसमें लिखा है वेलकम टू डॉल्फिन डांस एकेडमी, और यहाँ पर भी लिखा है डॉल्फिन एरो। तो चलिए ऊपर चलते हैं। सो गाइस, मैं सेकंड फ्लोर में आ चुकी हूँ, और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर खूबसूरत सा लाइट्स, जो कि है रेड, येलो, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, सारे कलर्स में मैं आपको दिखा सकती हूँ। और मैं एक और चीज दिखाती हूँ, यहाँ पर भी डॉल्फिन डांस एकेडमी लिखा है। ये है माइकल जैक्सन जी का फोटो, और ये है वॉशरूम जो कि आपको दिखाने लायक नहीं है, और यहाँ है येलो कलर का वॉल, ब्यूटीफुल। और इधर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ तीन जॉइंट चेयर है, ये देखिए, यहाँ पर एक कारपेट है जो कि अंदर जाने के लिए होते हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं, बोर्ड में लाइट ग्लो कर रहे हैं, और यहाँ पर मेन गेट है क्लास के अंदर जाने का। उससे भी पहले दिखा दूँ कि इसमें जो है यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, इसमें भी डॉल्फिन डांस एकेडमी लिखा है, हर जगह हर तरफ डॉल्फिन डॉल्फिन डॉल्फिन। अब मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पर क्लास टाइमिंग, कैसा क्लास करवाया जाता है, कैसा डांस होता है, तो इधर दिखा दूँ कि यहाँ एडमिशन फीस, सिक्योरिटी मनी, आई कार्ड, टोटल मंथली, क्लास टाइम, टाइम इवनिंग, मॉर्निंग, संडे क्लोज, डॉल्फिन डांस एकेडमी क्लासेस टाइम्स, इवनिंग मॉर्निंग एंड कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि मैं नहीं बता सकती अच्छे से पर मैं बोल सकती हूँ, 9304270197 एंड कॉल नंबर 8292429700। और डांस फॉर्म, डांस फॉर्म की बात करें तो हिप हॉप, सालसा, कंटेम्परेरी, जैज, बॉलीवुड, बॉलीवुड, भरतनाट्यम, कथक, ओडिशी एंड स्पेशल क्लासेस भी होती है, जैसे कि जुम्बा, एरोबिक्स, फिटनेस, वेट लॉस क्लासेस भी होती है, कोरियोग्राफी कर सकते हैं, हिंदी भोजपुरी एल्बम बैंड फिल्म का स्कूल कॉलेज में जो फंक्शन होता है उसके लिए, और फिर वेडिंग, शादी का, संगीत का, हल्दी का, मेहंदी का, सारा वेडिंग का जितना भी होता है उसका भी, और फैशन शो, स्टेज शो। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। सो गाइस, अंदर जाने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये मेरे पापा का सपना था, ड्रीम था कि मेरे पापा डांस क्लास खोले और दूसरों को भी डांस सिखाए। और ये जो डॉल्फिन डांस एकेडमी बासला ब्रांच है वो 2015 को ओपनिंग हो गया था। तो अब चलिए अंदर चलते हैं। तो मेरे पापा का सपना पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, सो गाइस, ये है हमारे फंक्शन जो होते हैं, हमारा शो जो होता है, वो सबका फोटोज हम लोग यूट्यूब वीडियो शूट करते हैं उसका भी फोटोज रखते हैं, और यहाँ वो सब फोटो है। और इसके नीचे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लू ब्लू लाइट लगे हैं जो कि बहुत ग्लो करते हैं, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे पापा को ऑलवेज भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर है वेटिंग रूम, मीन्स अगर कोई स्टूडेंट आया है, उसका पेरेंट्स, मीन्स वो स्टूडेंट छोटा है, उसका पेरेंट्स यहाँ पर रुकना चाहता है, तो उनके लिए ये वाला सीट बैठने के लिए बहुत काफ़ी है। और इधर आइए, इधर भी छोटे छोटे सीट्स हैं जो कि बैठ सकते हैं बच्चे लोग, बड़े लोग। और यहाँ पर सैनिटाइजर रखते हैं क्योंकि इस टाइम में तो सैनिटाइजर रखना ज़रूरी है। यहाँ पर एक पानी पीने का टैंकर है जो कि अगर किसको प्यास लगे तो वो पी सके। यहाँ पर एक डस्टबिन है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ एक पौधा है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं ताकि यहाँ पर कुछ चोरी, अच्छा कुछ भी हो तो तुरंत पता भी चल जाए। और यहाँ उसके नीचे साईं बाबा जी का फोटो है। यहाँ पर एक गणेश जी है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पर एक फैन है, तो आप चलते हैं इधर, तो इधर जो आप देख सकते हैं, इधर टी
बाबा धाम मीन्स बैद्यनाथ धाम का बाबा मंदिर का फोटो, जो कि कांवड़िया जो बोलते हैं वो लोग आए थे तो उस टाइम का फोटो था, किसी ने गिफ्ट किया था। और ये मेरे पापा को मिला है और मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ कि ये श्री अजीत केसरी लिखा है और ये डॉल्फिन डांस अकेडमी लिखा है। तो इधर भी दिखा सकती हूँ कि ये अर्जुन मुंडा ने दिया है। अब मैं चलती हूँ इधर, तो इधर देख सकते हैं यहाँ पर भी डॉल्फिन डांस अकेडमी लिखा है। यहाँ सालसा का पिक्चर बना है, यहाँ कॉन्टेम्पररी है, यहाँ बॉल रूम है, यहाँ हिप हॉप है और ये नटराज जी का फोटो है। अब हम लोग आते हैं यहाँ लाइट्स में, तो लाइट्स आप देख सकते हैं ये लाइट्स अमेजोन से मंगवाया गया है। और बजट का काम करें तो बजट बहुत कम था, बहुत कम में ये सब हो गया, ज़्यादा बजट नहीं किए हम लोग वेस्ट। तो अब हाँ, आप देख ही लिए लाइट कितना अच्छा लग रहा है, ये भी दिखा देते हैं। एक सिंगल लाइट से इतना अच्छा आया है और ये बहुत अच्छा बजट करता है। और इधर एक चेंजिंग रूम है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, वहाँ लिखा है चेंजिंग रूम। भरतनाट्यम बोलते हैं, देखिए चेंजिंग रूम मैं आपको दिखा सकती हूँ। अंदर बहुत अच्छा मिरर लगा हुआ है, इधर कुछ हैंगर्स रखा हुआ है ताकि जो कुछ सामान लेके आए वो उसे टांग सके। और इधर एक बहुत अच्छा सुंदर सा मिरर है। चलिए अब हम लोग यहाँ से जाते हैं और चलते हैं ऑफिस में। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर ऑफिस लिखा हुआ है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के लिए लिखा हुआ है, इसके अंदर चलते हैं। तो अंदर मैं आ चुकी हूँ, तो पहले मैं दिखा दूँ अपनी ये डॉल्फिन डांस एकेडमी। ये है मेन चेयर जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा ही बैठते हैं, डायरेक्टर अजीत केसरी। ये टेबल, उनका फोटो लगा हुआ है, इसमें भी बैचेस टाइम्स एंड ऑल दो थिंग्स जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो भी है। यहाँ पेन पेंसिल्स एंड ऑल दो थिंग्स है, यहाँ पर पूजा का है, फिर यहाँ पर भगवान जी है, यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट रखे हुए हैं विश्व कला दिवस जो कुछ हाल फिलहाल में ही हुआ था। यहाँ पर सारे डांसेस का फोटोज़ है, मोमेंटोज है, भगवान जी है और भी बहुत। और मैं आपको इधर दिखा दूँ, इधर एक विंडो है, एसी है, गणेश जी का फोटो है और इधर दो कुर्सियाँ हैं जिसमें स्टूडेंट्स पेरेंट्स जिसको एडमिशन करवाना है वो यहाँ बैठ सकते हैं। एक और चीज़ दिखा दूँ, ये जो सर्टिफिकेट है ये मेरे पापा के गुरु ने मेरे पापा को दिया था, ये पापा को मिला था और वो भी पापा को और उस थिंग्स पापा को। और एक और सबसे अच्छी बात ये बता दूँ कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा की सारी चीज़ें लोकेट होती है। यहाँ पर पापा बैठते हैं तो सीधे पापा का रिकॉर्ड होता है यहाँ पर। यहाँ वॉच लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक वॉच है, यहाँ पर फैन लगे हुए हैं। तो और मैं बहुत कुछ दिखा रही हूँ मैं आपको। हाँ चलते हैं हमारी क्लास में, तो इधर आ रही हूँ, यहाँ लिखा हुआ है क्लास रूम। चलिए अंदर आते हैं।
आपको दिखा दूँ कि अगर अगर कोई आ जाए फिर टाइम पता नहीं चाहिए तो यहाँ पर एक वॉच भी है और साथ ही साथ यहाँ पर स्टैंड होते हैं तो स्टैंड के लिए यहाँ पर एक गद्दा है जिसको हम लोग बिछा के स्टैंड करवाते हैं करते हैं अलग अलग तरह का होता है। तो मैं और क्या बताऊँ, तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइट तो बनती है और मैं एक और लाइट दिखा दूँ। सो गाइस ये सारी लाइट्स बहुत अच्छी लगेंगी, इससे भी अच्छी लाइट अगर मैं सारी येलो ब्लैक व्हाइट सारी लाइट्स ऑफ करके सिर्फ ब्लू वाली लाइट जला दूँ सोचिए कितना प्रीटी लगेगा। चलिए मैं सारे लाइट ऑफ करके ब्लू वाले को ऑन करती हूँ। सो अब इस दिन में धमाल हो रहा है, आप देख सकते हैं कितना प्रीटी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये वाला लाइट। मैं आपको सब तरह से दिखा दूँ, सब जगह से दिखा दूँ और आप ये लाइट्स भी देख सकते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं ब्लू लाइट। शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और एडमिशन